हेसन्स मैम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। एक मेरा एनालिसिस है रेस्ती के ऊपर जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी रेस्ती के सेकेंड और थर्ड डे के बारे में। और वो ये है कि इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो तीसरे दिन में आ चुकी है और इसकी एडवांस बुकिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रही है अक्रॉस इंडिया। फ्राइडे को सीधी सी बात, इसका मतलब साफ लग रहा है कि ईद आई थिंक फ्राइडे को नहीं होगी, जिससे मैंने कल ही आई थिंक बताया था रिपोर्ट्स के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर सीन ये है कि फ्राइडे की एडवांस बुकिंग जिस हिसाब से चल रही वो बेहतर है, लेकिन सैटरडे की एडवांस बुकिंग और संडे की एडवांस बुकिंग से थोड़ा सा कम ज़्यादा लग रही है। अब यहाँ पर इस हिसाब से साफ साफ लग रहा है जो ऑक्यूपेंसी होगी उस पर थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं कि किस तरह की हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है फ्राइडे की ऑक्यूपेंसी 90 से 95%, कई जगह 100% होगी होगी सीधी सी बात है, लेकिन फिर भी कुछ जगह पे अक्रॉस इंडिया 90 से 95% तक की रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। और यहाँ पर सैटरडे संडे की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि सैटरडे संडे की फिल्म हाउसफुल रहने वाली अक्रॉस इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया में आपको सीट्स नहीं मिलने वाली, ऐसा मेरा मानना है। रेस सी की एडवांस बुकिंग को देखते हुए जिस हिसाब से एडवांस बुकिंग हो रही, चाहे वो हैदराबाद ले ले, चाहे आप NCR दिल्ली ले ले, कमाल की एडवांस बुकिंग हो रही है। और उससे आपसे मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ईद के मौके पर जो तबाही है वो सच में आने वाली है, और सिकंदर ले आ रहा है वो तबाही, और वो भी एडवांस बुकिंग के तौर पर। और ऐसे में मुझे लगता है कि फ्राइडे की जो ऑक्यूपेंसी होगी 90 से 95% होगी एवरेज, और ओवरऑल उसमें से कई सारे जो मल्टीप्लेक्सेस होंगे, जो मेन सिटीज होंगे, वहाँ पर 100% की ऑक्यूपेंसी होगी, लेकिन एवरेज 90 से 95% होगी। और आई थिंक जो बात करें हम एवरेज ऑक्यूपेंसी पूरे दिन की बात करूँ, ठीक है, और सैटरडे संडे की बात करें तो 100% ऑक्यूपेंसी होगी, ऐसा मेरा मानना है। आपकी क्या राय है जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बल कितना ही।